मंथ की सैलरी मिलती है वहां पर, तो इतना कमाई है वहां पर, इतनी पैसा है, इतना बेअंत पैसा है, कमा सकते हो, घर चला सकते हो, अच्छा जीवन जी सकते हो। बट उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इस लाइन में इतना काम है आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपने गांव में भी देखो, आपके गांव में भी अगर कोई छोटी सी आप शॉप खोल लेंगे रिपेयर करने की, उसमें भी आप कमा जाते हो। खुद मेरा स्टूडेंट शंकर है, पानी बस अड्डे के, उसकी बहुत अच्छी दुकान है। शंकर को सर मैं जानता हूं, मैं कृष्णा होंडा में वर्कशॉप मैनेजर था, तो उसने मेरे पास काम करा था, हेल्दी सा लड़का था, हेल्दी लड़का, मैं तो मैं जानता हूं उसको। हां तो वो सी के बेटे जो कर रहे हैं हुनर वाले हो जाओगे तो तुम्हें तो कहीं रोजगार मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उल्टा तुम तो रोजगार पैदा करने वाले होंगे। अगर आपकी अच्छी शॉप चल रही है तो आप चार आदमी को रखोगे, पर पहले तो खुद सीखो ना, रोजगार देने लायक तो बनो, पहले अपना हाथ साफ रखो इन चीजों पे और अपने सीखो हर चीज। आप कितनी चीजें बचा सकते हैं। अभी मैंने देखा सर ने भेजा है दो बच्चों को ऑटोमोबाइल वाले बच्चों को, जाओ लाइट की तार वगैरह ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर सिखाते हैं है ना, व्हीकल्स का सिखाते हैं, तो उसमें भी तो चार्जिंग होती है ना बेटा, तो आप घर के कितना पैसा बचा सकते हो एक बार, और अपने जीवन को चलाने के लिए तो कर ही सकते हो रोजगार पैदा, अपने का अपना भी गुजारा कर सकते हो, दो व्यक्तियों को और भी रोजगार दे सकते हो, पर पहले तो तुम्हें खुद करना है ना बच्चे, है ना। इन चीजों से आप ये भागते हो, आपके पास इतनी लैब पड़ी है कि बड़ा किताब कॉपी में लिखा या नहीं लिखा भाग गया, नहीं आपके पास इतने अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, इनसे कुछ नॉलेज लो। कोई है ऐसा बच्चा कि जो घर जाके भी उसका प्रैक्टिकल करता हो और यहाँ आकर पूछे कि सर ऐसा कैसे करना, और ये बच्चों को किट मिली हुई है, और ये बच्चे उसको